मीडिया बंद हो के माध्यम से तमाम कानून पेदों को चुनौती भी देते हैं और ललकार भी देते हैं, आप कानून की किताबों को लेकर आइए और डिबेट पर बैठ जाइए जिसको डिबेट करना है। और हमने तो स्पष्ट कहा है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से डिबेट करना ही नहीं चाहते। अरे वो तो खुद एमपी कोटा से बड़ी मुश्किल से गिरते लड़ते झगड़ते इंटर पास किए हैं। कल ही हम पीएचडी का एनुअल रिपोर्ट सबमिशन करके आए हैं, 3 बार में डॉक्टर ऑफ कॉमर्स। इसीलिए अगर डिबेट ही कराना है, यदि विषय पर बात ही करना है, किस राज्य के सबसे बड़े नौकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, उन्हें बुलाइए, उनसे बात करेंगे, कहिए उनको दलील प्रस्तुत करे नियोजन नीति को लेकर, कहिए उन्हें दलील प्रस्तुत करे स्थान नीति को लेकर। हम लोग भी ड्राफ्टिंग करके बैठे हैं कि स्थान नीति का प्रारूप क्या होगा, नियोजन नीति का प्रारूप क्या होगा। यदि किसी एक पॉइंट में हम लोग को 30 सेकंड के लिए या जयंती घड़ी रहे सोनाटा रहे या टाइटन रहे अगर खामोश कर दिया तो आंदोलन से हम लोग पीछे आ जाएंगे। आज 22 सालों का झारखंड है, अब हम लोग जवान नहीं सियान भी हो गए, अब हम लोग जवान नहीं सियान हुए हैं। इसी बात के इनके पेट में कि अब ये लोग बोलने लगा है, ये लोग लड़ने लगा है, ये लोग लोगों को चलाने लगा है। आप कानून की बात करते हैं तो हम कानून की बात आपके समक्ष करना चाहेंगे। आप कहते हैं कि भारत देश में कोई कहीं भी रह सकता है, खा सकता है, गुजर बसर कर सकता है। पहला बात, कानून की जानकारी आपके पास आधी अधूरी होगी। आप जिस देश की दुहाई करते हैं उसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली में बैठी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2002 को गुरमीत सिंह वर्सेस चंडीगढ़ हाउसिंग कोर्ट के खिलाफ एक जजमेंट दिया था कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का स्थानीय निवासी हो सकता है। 2002 का ये स्टेटमेंट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का निवासी हो सकता है। अब बताइए हम कहां गलत है, हम कहां गलत है बताइए। आप झारखंड में भी रहेंगे और आपका जो मूल निवास है यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा, आप वहां भी जाएंगे, आप दोहरी नीति का लाभ लेंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए आप हमें नक्सली कहो, आतंकी कहो, जो कहना है स्वीकार है, लेकिन वास्तव में कोई दोषी है आप लोग, क्योंकि संविधान का उल्लंघन हमने नहीं उन लोगों ने किया है जो दो राज्य में स्थानीय निवासी होने का दावा करते हैं। आज माननीय राज्यपाल अपने स्टेटमेंट देकर महाराष्ट्र चले गए कि 1932 का खतियान यदि लागू होता है तो जिन जिलों में बिहार राज्य के लोगों की संख्या ज्यादा है उनका क्या होगा। तो हम माननीय राज्यपाल महोदय आप जहां गए हैं हम वही का उदाहरण देते हैं। आप महाराष्ट्र गए हैं ना, महाराष्ट्र में अनुमानित लगभग लाखों की संख्या में बिहार यूपी और झारखंड के लोग रहते हैं। माननीय राज्यपाल आप महाराष्ट्र गए हैं, आप महाराष्ट्र को सर्वे कीजिए, मोटा मोटी 5 साल जरूर वहां राज्यपाल रहिएगा। महाराष्ट्र के सर्वे कीजिए राज्यपाल महोदय, आप उस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा बन के गए हैं, वहां लगभग नहीं करने से भी करोड़ों की संख्या अन्य राज्यों की रहती है। क्या उनको वहां किसी जिले में किसी तालुके में स्थानीय निवासी होने का अधिकार है? यह है तो फिर ये दोहरी नीति झारखंड के साथ क्यों? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।